राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने परिवार के साथ एकदम से प्रसन्नचित हो गए। तो जी, अभी सुबह का समय हुआ है और मैं नहाकर आई हूँ अभी, और नहाने के बाद में मैं सीधे बैठ गई हूँ मंदिर पर आकर, क्योंकि आज मंदिर की पूरी सफाई भी मैंने की है और अभी पूजा भी मुझे ही करनी है सारी। अभी एक्चुअली क्या हुआ कि विनोद का जो वाहन है भाई, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो थोड़ा सा सा डिस्टर्ब हो गए, तो उन्हें जाना भी पड़ा कल ऑफिस ओला से। और मतलब 2-3 दिन से वो ओला से ही जा रहे थे, तो आज ही आज अभी ना मैकेनिक को बुलाया है देखने के लिए कि चलो मैकेनिक को दिखा लेते हैं और उसके बाद में फिर जो भी होगी सर्विस होगी या कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इंजन विंजन का काम होना आई थिंक सो, तो वो सब ये करा लेंगे। तो अभी ये मैकेनिक के पास गए हुए हैं नीचे, क्योंकि वो यहीं पर आया हुआ है। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ना इन लोगों का स्नान, गृह मोहन और लड्डू का। भाई 3 कान्हा जी हैं, तो आपको पता है कि तीनों कान्हा जी की जो सेवा होती है तो उसमें फिर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि तीनों बच्चों को नहलाना धुलाना, तैयार करना और उसके बाद फिर पूजा करना, तो इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। तो मैंने क्या किया कि नहा के आने के बाद में ना मैंने किचन में पूरी तैयारी करके रख दी थी लंच की और ब्रेकफास्ट की। तो मेरे बाद में फिर दीदी बोली कि चलो मैं नहा लेती हूँ और किचन को मैं अभी संभाल लेती हूँ और तू पूजा कर ले। देखो जब घर में 2 लोग होते हैं ना तो ये सबसे बड़ा सहारा होता है एक दूसरे का, कि एक कुछ काम कर रहा है और एक कुछ काम कर रहा है, तो सारा काम ना प्रॉपर तरीके से होता चला जाता है, मतलब एकदम से ना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है। तो वैसा ही हो रहा है मेरे साथ भी आज, तो मैं पूरा मंदिर संभाल रही हूँ, मंदिर की सफाई करना और बच्चों को नहलाना, पोशाक पहनाना, श्रृंगार करना, उसके बाद पूजा करूँगी। और दीदी अपना अभी संभाल रही है किचन, तो विनोद का लंच वंच पैक कर देंगे और विनोद अभी नहा के तो चले गए हैं, वो आएंगे और आने के बाद में फिर सीधे तैयार होके और ऑफिस चले जाएंगे, तो उनको भी देर नहीं होगा। तो बच्चे हैं अभी, तो अभी केवल वरदान उठा हुआ है सो के, और परी और चुलबुल और अनवी तीनों सोई हुई हैं, अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे बच्चे, क्योंकि आजकल एक साथ है ना ये लोग और स्कूल अभी ओपन नहीं हुए, तो ये लोग ना देर तक जागते हैं, मतलब 1:30-2 बज जाता है इनको जागते हुए और मस्ती करते रहते हैं ये लोग, तो फिर नेचुरल सी बात है उठेंगे भी देर से ये लोग। वरदान भी फिर सुबह जल्दी इसलिए उठ गया था क्योंकि विनोद ना उसको ले गए थे टीटी लगवाने के लिए, कि भाई उन्हें पता नहीं था और नीचे से फ़ोन नहीं मिल पा रहा था, तो वो मुझसे कंफर्म कर रहे थे कि इसको ऐसा तो नहीं है कि टीटी पहले अभी लगा हुआ हो 1-2 महीने पहले ही, तो फिर अभी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर ने पूछा था। तो फिर जब ये ऊपर आए फिर मैंने बता दिया कि इसको तो टीटी काफ़ी टाइम से नहीं लगा हुआ, मतलब टचवुड काफ़ी टाइम से ऐसी कोई चोट वोट नहीं लगी थी, तो टीटी लगाई नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अभी तो रात के 10:30 बज रहे थे जब इनसे बात हुई थी मेरी, मैंने कहा सुबह लगवा देना, क्योंकि 24 घंटे में के अंदर अंदर टीटी लग जाना चाहिए अगर कोई भी चोट लगती है। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा सुबह में लगवा देना, तो वही लगवा के भी ले आई ये, तो इसलिए ये भी सुबह जल्दी उठ गया था, इसको उठा लिया था और इसको ब्रेकफास्ट करा दिया कि ताकि इसको इंजेक्शन लग जाए, उसके बाद थोड़ी बेफिक्री हो जाएगी। ड्रेसिंग वगैरह इसकी सब हो चुकी है, तो अभी तो क्या है ना कि घर पे हम लोग ड्रेसिंग करते रहेंगे, या तो मैं करती रहूँगी या फिर विनोद करते रहेंगे, तो डॉक्टर के यहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या स्ट्रिच नहीं लगवाया है, क्योंकि फिंगर में ना ऐसी जगह पे चोट लगी हुई है वहाँ पे स्ट्रिच की ज़रूरत नहीं है, अनविजिबल है और वो खुद ही ना मतलब फिंगर एकदम से ऐसे एक दूसरे टच होके बिल्कुल मतलब एकदम से बिल्कुल प्रॉपर वे में वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी जैसे ही, मतलब वो जख्म भर जाएगा, तो वहाँ पर स्ट्रिच की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों बच्चे को अननेसेसरी उसको पेन दिया जाए कि स्ट्रिच लगने में ना थोड़ा सा दुखता है और बच्चे घबराते भी हैं, भाई बच्चे क्या बड़े भी घबराते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं तो पता है स्ट्रिच लगने से तब से ज़्यादा घबराती हूँ जब वरदान की बॉर्न हुई थी और जब मेरा सिजेरियन हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे 18 स्ट्रिच लगे हुए थे पेट में, तो मेरा एक स्ट्रिच ना पक गया था बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5 इंच का गड्ढा हो गया था पूरा का पूरा, तो उसमें पस पड़ गया था और 1.5 मंथ में वो पूरा का पूरा हील हुआ था जाके। तो जब मेरी ड्रेसिंग करने के लिए घर पे वो भैया आते थे ना, तो उनके नाम से डरने लगी थी मैं, उनके नाम से ही इतना डर लगता था मुझे, और फिर वो जो ड्रेसिंग करते थे ओफो मेरी क्या हालत होती थी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को,
मतलब भयंकर वाला ना पस पड़ गया था एकदम से, तो वो पूरा क्लीन करते थे, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो चीज़ याद करती हूँ। अच्छे से क्लीन करते थे वो, मतलब अंदर उसमें वो एक पिन टाइप वो डाल डाल के कॉटन लगा के, और अच्छे से ओफो भाई डर लगता है मुझे। चलो इस टॉपिक को मैं यहीं बंद कर देती हूँ, जो बियर करना था उस टाइम पे बियर कर लिया। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें जो एकदम से दिमाग में आ जाती हैं, तो मैंने सोचा नहीं इस टाँके का दर्द तो मैं ही बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मेरे को वरदान को स्टिच नहीं लगवाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चे के एक तो चोट लगी उसका दर्द, और ऊपर से उसको स्टिच और लगवा दिया जाए तो उसको फिर और ज़्यादा दर्द होगा। तो मैंने इस करके फिर उसको फिर स्टिच नहीं लगवाया। तो भाई धीरे धीरे देखो मेरी पूजा भी पूरी की पूरी साफ हो चुकी है, बच्चों को तीनों को नहला दिया है, अभी पोशाक वगैरह इनको पहना के और उन इनका कर देती हूँ श्रृंगार। तीन है तो फिर श्रृंगार करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर अभी पूजा करने लग जाऊँगी। इधर देखो ये दीदी ना अपना किचन में आई है, नहा के आई है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बाल धो के आई है तो पानी पूरा का पूरा निकल रहा है बालों में से भी, और पूरी टी शर्ट इनकी गीली हुई पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि विनोद को लेट ना हो जाए तो इस वजह से ना ये आते ही विनोद का लंच पैक करने के लिए तैयार हो गई, पहले कि मैं बाकी सब बात में करूँगी, पहले विनोद का लंच पैक कर देती हूँ कि उनको लेट ना हो जाए। तो फाइनली मेरी पूजा चल रही है, और पूजा के बाद में फिर विनोद तो ऑफिस अभी चले जाएंगे, हम लोग बच्चों को उठाएंगे, दूध वूध दे देंगे इनको, और हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, मतलब मैं और विभो दीदी करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी दोपहर का बजा हुआ है 2:30, और अभी जो लालाओं ने क्योंकि हैवी पोशाक पहनी हुई है और ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, तो कैसे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा हुआ है, हमेशा चार्मिंग ही नज़र आते हैं ये, तो भाई सब लोग इनको भी बोल दो राधे राधे। अभी दोपहर में हम इनको कराने वाले हैं थोड़ी देर के लिए शयन, क्योंकि दोपहर के भोग के बाद में ना तो इनको रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, हाँ जैसे कि हम लोग भी करते हैं रेस्ट। तो अभी मैंने क्या किया है, उनकी पोशाक उतार दी और ऑर्नामेंट्स भी उतार दिए, और तीनों भाइयों को एक साथ एक ही बेड पर शयन के लिए भेज दिया कि भाई थोड़ा सा एक दो घंटे रेस्ट करेंगे, ये भी देखो। और ऐसे पोशाक इनकी अलग कर देते हैं, जब उठाते हैं फिर दोबारा पहना देते हैं। तो भाई शाम भी हो गई, और उधर गिरी मोहन लड्डू को उठा भी दिया गया है, और इधर यहाँ पे परी वरदान उर्वी अनवी यहाँ पे इनके साथ में इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, गिरी मोहन लड्डू के साथ में खूब मस्ती कर रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है आजकल ना सारा टाइम ये लोग खेलते बहुत है, बट इनको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको क्या है फिर शाम को जैसे हमें टाइम मिल जाता है ना उस टाइम पे हम लोग फिर इनको पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। बट उससे पहले ना मैं और दीदी क्या करते हैं, डिनर की पूरी तैयारी करके रख देते हैं कि भाई पूरा डिनर आजकल मतलब बना के ही रख देते हैं हम लोग, मतलब एक दीदी रोटी बेल रही होती है और मैं सेक रही होती हूँ, तो फिर घी वी लगा के ना और कैसरोल में रख देते हैं, दाल सब्जी सब कुछ तैयार, सब एवरीथिंग तैयार करके रख देते हैं। तो विनोद जब आते हैं ना ऑफिस से, उसके बाद में वो आते हैं, कप चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो भाई हमारा जो इंतज़ार है वो अब केवल विनोद के लिए है कि विनोद ऑफिस से आ जाएंगे, और हमने अपना पूरा किचन का काम भी ख़त्म कर लिया है, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे। इधर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए ना अब इनको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ चारों को, क्योंकि शैतानी ना ज़्यादा ही कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं मार रहे हैं, तो डर भी लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए, पैर वर स्लिप ना हो जाए। तो अभी बस होता है ना इनको बार बार देखने के लिए मैं डर जाती हूँ जरा सा भी, अगर कोई चिल्लाता है ना मुझे डर लगने लगता है एकदम से, कि पता नहीं कोई किसी को चोट तो नहीं लगी, कुछ हो तो नहीं गया एकदम से, तो बस मैं किचन में से भागती रहती हूँ उन लोगों के पीछे। तो मैंने क्या किया, इन लोगों ने पढ़ने के लिए बैठा दिया। अब तो खाना वाना हो चुका है, अभी हमारा सब कुछ हो चुका है, तो भैया आप पढ़ लो बैठ के। तो दीदी यहाँ पे ना लालाओं को करा रही है शयन, यहाँ पे मैं मेरे बराबर में बैठी हुई है उर्वी। तो जी देर रात तक बच्चों के साथ में उन्हें पढ़ाना और उनकी मस्ती चलती रहेगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, व्लॉग को करते हैं एंड। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।